हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल पे से किसी भी बैंक खाते में रुपया कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि अकाउंट नंबर से रुपया कैसे भेजेंगे गूगल पे एप्लीकेशन के द्वारा। तो अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिएगा, आगे आपको लाइव प्रूफ मिल जाएगा वीडियो में कैसे भेजना है, तो सारा डिटेल आपको बता दूंगा। तो मैं अपना गूगल पे एप्लीकेशन से आपको किसी भी बैंक में रुपया भेज के भी बताऊँगा, तो वीडियो को एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको कोई भी गलती नहीं होगा आगे से बैंक में रुपया भेजते वक्त। और आपको पता ही होगा कि गूगल पे आपको चार ऑप्शन देते हैं रुपया ट्रांसफ़र करने के लिए। एक की स्कैन QR कोड, जिसे आपको दुकानों पे जैसे लगा रहता है स्कैनर, उससे आप स्कैन करके गूगल पे से रुपया भेज सकते हैं। और एक होता है पे कॉन्टैक्ट, तो ये भी अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी गूगल पे यूजर है तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सभी यूजर गूगल पे यूजर आ जाएगा। और एक होता है पे फ़ोन नंबर, तो आप फ़ोन नंबर के द्वारा किसी भी कस्टमर का अगर फ़ोन नंबर से भेजना चाहते हैं तो वो भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर से कैसे रुपया भेजा जाता है गूगल पे या फ़ोन पे के द्वारा। और एक होता है बैंक ट्रांसफ़र, तो बैंक ट्रांसफ़र के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके इंतजार में है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ, तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये तीन जो है उसे आपको नहीं दबाना है, बैंक ट्रांसफ़र दबाना है। तो बैंक ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक कर देना है बैंक में रुपया अकाउंट नंबर के द्वारा भेजने के लिए। तो चलिए मैं क्लिक करके आपके सामने ही बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा, रुपया भेज कर भी दिखाऊँगा। तो देखिए, उसके बाद अकाउंट नंबर, और उसके बाद री अकाउंट नंबर, IFSC कोड और रिसिप्ट नाम, तो ये चार चीज़ की आवश्यकता है। तो आप चाहे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और IFSC कोड को सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके खाता नंबर में IFSC कोड नहीं दिया गया है तो आप सर्च करके IFSC कोड सर्च कर सकते हैं। और रिसिप्ट नाम में आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जो भी बैंक खाता का, जिसका भी बैंक का अकाउंट नंबर है उसका भी नाम डाल सकते हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ भी डाल दीजिएगा रिसिप्ट नाम में। तो ऊपर में सभी चीज़ डाल चुका हूँ, अकाउंट नंबर, और दोबारा से वही अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए, और ये स्टेट बैंक का है तो यहाँ पे SBI का IFSC कोड भी डाल चुका हूँ, जो भी बैंक का है। और उसके बाद रिसिप्ट नाम भी डाल के नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आगे देखिए क्या आ जाएगा। तो आगे में आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर है, लास्ट के चार अकाउंट नंबर का नंबर आ जाएगा, और उसके बाद जितना भी अमाउंट डालना है तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ अमाउंट डाल देता हूँ, तो मैं 900 रुपया यहाँ तो डाल दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ तीर के निशान, एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए चूज अकाउंट टू पे विथ, तो अगर आप एक अकाउंट सेट किए हैं तो इस तरह से आएगा, और पे पे आपको क्लिक कर देना है। और देखिए, उसके बाद आपके सामने 6 डिजिट का UPI पिन जो होता है, जो आपने UPI पिन है आपका गूगल पे का, वो आपको यहाँ पे पिन डाल के और यहाँ ओके के निशान यानी कि टिक पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये रुपया जो है वो आपके जो भी अकाउंट नंबर है उसमें आपको ये चला जाएगा। तो देखिए, आपने कस्टमर का रुपया उसके अकाउंट में भेज दिए हैं, आपको नेक्स्ट के लिए बोलेगा, जो कि स्क्रैच कार्ड जो दिया जाता है कैशबैक गूगल पे के द्वारा, तो वो सब आ चुका है। तो अब देखिए, मैं रिवार्ड पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि मुझे क्या मिला है कैशबैक में। तो मुझे ये देखिए 600 का वाउचर